बीजेपी नेता के पैर पकड़ जमीन पर लेट गए आम आदमी पार्टी के मंत्री। आप नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा, मच गया बवाल। एलजी उठाएंगे कदम, आम आदमी पार्टी में मच गया हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायकों की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कौंडली से विधायक कुलदीप कुमार, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़कर जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस मार्शल की बहाली के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ये नौटंकी दिखा रहे हैं, जमीन पर लेट लेट कर बवाल करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से खुद ये पोस्ट जारी की गई है और लिखा गया है, बस मार्शलों की बहाली के लिए किसी भी हद तक जाएगी आप। बस मार्शलों की बहाली के लिए जब एलजी हाउस जाने से बचकर भाग रहे थे बीजेपी के विधायक, तो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पकड़कर उनके पैर, कठिन संघर्ष के बाद आखिर बीजेपी के विधायकों को एलजी हाउस ले जाया जा सका। सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही नहीं बल्कि नई नई दिल्ली की सीएम बनी आतिशी भी इस ड्रामे में पूरी तरह शामिल नजर आई। तो जिस दौरान सौरभ भारद्वाज बीजेपी विधायक के पैर पकड़कर लेटे हुए थे, उस वक्त आतिशी बीजेपी विधायक की गाड़ी में चलकर बैठ गए, तानाशाही दिखाने लगी। आरोप लगाया गया कि जब तक एलजी हाउस की मीटिंग में बीजेपी विधायक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप नेता उन्हें जाने नहीं देंगे। घंटों तक ये बवाल काटा गया। इस दौरान बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में आप विधायकों की तरफ से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया गया। तो अब क्यों आप नेता जमीन पर लेट लेट कर बवाल कर रहे हैं, तो चलिए विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल बीते दिनों केजरीवाल सरकार के दौरान बस मार्शल की तैनाती पर एलजी ने रोक लगा दी थी, क्योंकि भर्तियों को नियम कानून के ताक पर रखकर किया गया था। ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ना कोई सरकारी नियम कानून बनाए गए थे, जिसकी वजह से एलजी ने इन भर्तियों पर रोक लगाकर दोबारा नियमों के तहत बहाल करने की बात कही थी। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से काम पर लगे बस मार्शलों की सैलरी भी रिलीज नहीं की गई थी, जिसकी वजह से बवाल काफी बढ़ गया, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया। अब आखिर में इस मुद्दे को राजनीतिक बनाते हुए आतिशी ने कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव पास किया, लेकिन जब तक एलजी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलेगी और सभी विधायकों को इस पर मंजूरी नहीं दे देंगे, प्रस्ताव अमल में नहीं लाया जाएगा। मामले को हल करने के लिए बाकायदा एक बैठक एलजी हाउस में बुलाई गई है, लेकिन बीजेपी विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे। तो आपके नेता मंत्री बीजेपी विधायकों के पैरों में लेट गए, बवाल करने लगे, उन्हें जबरन वहां से ले जाने लगे। केजरीवाल भी इस मामले में एलजी साहब पर जमकर भड़कते हुए नजर आए। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जब हमारी सरकार बनी हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर किसी बस के अंदर कोई मनचला कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था वो जोर से शोर मचाती थी, बस मार्शल उसको तुरंत आके दबोच लेते थे और उसको पुलिस थाने ले जाते थे। कितने ऐसे मौके हैं मेरे को पता है, हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराध रोके हैं, कितने जेब कतरे पकड़े हैं। एक बार तो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको किडनैप करके ले जा रहे थे कुछ लोग। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था, बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक स्टॉप पे उतरा एक आदमी उस बच्चे को लेके, वो बस मार्शल उसके पीछे पीछे उतर गया और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया, तब पता चला वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। हमारे बस मार्शल ने उस किडनैपर को पकड़ के और उसको बच्चे को अपने माँ बाप को लौटाया। अरे तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षित व्यवस्था ठीक की थी, तुम्हें यह पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी, तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बसों में मार्शल की तैनाती से अपराध कम हो रहा था, लेकिन जब मार्शल तैनात थे सैलरी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा था। यही वजह है कि आप नेताओं की नौटंकी पर लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल सहरावत नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ की सैलरी के लिए किस हद तक जाओगे, तुम स्वास्थ्य मंत्री हो और दिन रात इस नौटंकी में लगे हो, यहाँ हमारे बच्चे परिवार दशहरा नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि तुम लोगों के अनुसार फंड नहीं है मोहल्ला क्लिनिक के लिए। जब फंड नहीं है तो नए क्लिनिक क्यों खोल रहे हैं।
इसी के साथ रवि भूषण नाम के एक और यूजर ने आप सरकार पर तंज कसते हुए पोल खोलते हुए आगे लिखा, हद है भाई इन नौटंकियों की, यही जब मार्शल आतिशी मार्लेना के दिखावे वाले अनशन में गए थे तो इन्हीं लोगों ने खदेड़ दिया था, गुंडा मवाली बता दिया था उन बेचारों को। ये हकीकत है, जब इन बस मार्शलों ने आतिशी के धरने प्रदर्शन में अपनी आवाज उठाई थी, सैलरी की मांग की थी, तो मैडम साहिबा ने गुंडे मवाली बताते हुए कहा था कि ये लोग साजिश के तहत यहाँ भेजे गए हैं। वो बीजेपी पर निशाना साध रही थी, जबकि बस मार्शल अपनी सैलरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के साथ धीरज कुमार नाम के एक और यूजर ने लिखा, साफ पानी देने के लिए भी दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री के पैर पकड़ लो यार, हो सकता है कि दिल्ली में पानी भी साफ मिल जाए। तो घर से बाहर तक लोगों ने उल्टा आम आदमी पार्टी को घेर लिया है, बस मार्शलों पर सियासत और नौटंकी दिखाना सौरभ भारद्वाज पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर एलजी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।